हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर डेज। आज है 12th of February और हम जल्दी उठ गए हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पर धूप निकल रही है खिलखिलाती हुई, जैसे सूरज अभी उठ रहा है, अभी उग रहा है। तो अब हम जल्दी उठ गए हैं तो आज का दिन शुरू करते हैं। आज हम जाएंगे अपने ननिहाल, वहाँ पर दिखाएंगे जो हमारा पुराना घर था, वो जो उसका रेनोवेट किया गया है उसके अंदर फिर से इनॉग्रेशन करेंगे, हवन करेंगे आज और चलेंगे आगे। फिर गाइस, ये हो रहा है सूर्य उदय, कितना मस्त लग रहा है। लॉट ऑफ विटामिन डी देयर और हरियाली हरियाली हो रखी सब जगह, बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। फिर गाइस, हम कर रहे हैं गाड़ी की सफाई, बहुत टाइम बाद गाड़ी सफाई करने लगे हैं। पानी वानी भर दिया गाड़ी में, अब थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं काम धाम गाड़ी सफाई का अभियान, गाड़ी स्वच्छ मोर्चा। तो गाइस, हम सब हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं गांव, मतलब मामा जी के गांव, मतलब हमारा ननसार। वहां पर हवन है क्योंकि आज हम इनॉग्रेट हो रहा है घर पुराना, वो रेनोवेशन जो हुई थी। तो बस अभी जा रहे हैं वहीं पर सब लोग, दो बार में पहुंच पाएंगे कि डैडी तो ऑफिस गए आज, तो गाड़ी ले गए दूसरी वाली, तो थार में दो बार में जाएंगे सब लोग। चलिए चलते हैं फिर, पहली ट्रिप लेके जा रहे हैं भर के। एक बार हवन कौन रख लिया है, मामी जी बैठी, नहीं मामी जी को भी रख लिया है, पीछे बच्चे में रखे हुए हैं, साथ में चीकू भी है, चीकू और जैसा साथ बैठे हुए हैं, बस जानी दुश्मन साथ बैठे हुए दोनों। बस पहुंचने वाले हैं गांव, यहां खेत शुरू हो जाते हैं हमारे यहां से। तो गाइस, यहां लग चुका है जाम, आगे चल रही है हमारी बहुत ही बड़ी गाड़ी जिसको हम हिला नहीं सकते, ये है बैलगाड़ी और हमारी गाड़ियां चल रही है। अब इसके पीछे लग गया जाम, हम पहुंच चुके हैं गाइस अपने घर पर। अब इनको उतारते हैं सवारी को यहाँ पर, अब चलिए फर्स्ट ट्रिप अप। तो गाइस, हमने भर ली गाड़ी सेकंड टाइम, बट उड़ान भर ली है, उड़ान तो भरी ली है, तो सेकंड टाइम गाड़ी भर ली है मम्मी अप्पू और मुन्नी के साथ, मुन्नी के साथ। तो चलो चल रहे दूसरी बार अब। नहीं तो एक बार में ही हो जाता। मम्मी को बहुत टाइम बाद निकाला हमने फार्म से बाहर, वरना एक कदम नहीं रखती है बाहर। तो अब करेंगे हवन। अब्बू नानी है, आहा ओम अच्छा समिंद वो असंद आबो नबी नवाहा। तो हम आप खाना खा रहे हैं, खाना आ गया गाइस, और ये चूल्हे की रोटी मामी जी लेके आई है और मामी बना रही है, नानी जी बैठी हुई है। फिर बोलते हैं गाइस हम पतले कैसे हो जाए, देखो नानी जी का प्यार, घी देखो घी, हाँ ये तो सर घी तो अब घर में मैंने खाने देते हैं, आपको पकाना पड़ता है ना, मम्मी देते हैं घर में इतना। हाँ देखो नानी जी असली घी एकदम दूध से निकाल के पाते और खाते हैं, और खाते हैं इतना घी तो मम्मा भी आपको अलाउ नहीं करती खाने के लिए। अच्छा किसको नहीं लगता घी, चिंकू तुमको कैसा लग रहा है ये रात में? नानी जी और मामी जी, ये है घी बुरा, अब खाओ घी बुरा। अच्छा आज खाना पड़ेगा। तो गाइस हम चल दिए हैं यहाँ से, हो गए बर्थडे सेलिब्रेशंस, अब मम्मी आएंगी दिल्ली, अब बहुत दिन हो गए छुट्टी मारते मारते। तो गाइस चलो चलते हैं फिर। तो हम फार्म हाउस से अब निकल चुके हैं और अब जल्दी मथुरा की तरफ, मथुरा इसलिए थोड़ा काम है मुझे, तो मथुरा से निकलेंगे फिर दिल्ली की तरफ कल सुबह। पर देखिए रास्ता कैसा मस्त है, दोनों तरफ अंधेरा अंधेरा, और अपन चल दिए हैं। हम पहुंच चुके हैं गाइस वृंदावन, और यहाँ पर लग रही है परिक्रमा और इतनी भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियां पार्क डी पार्क, आज संडे है तो लोग परिक्रमा लगाने आते हैं। पार्क डी पार्क मतलब आई मीन टू से कार सब पार्क, देखो उधर इधर बहुत, यहाँ आउटस्कर्ट्स में गाड़ियां फिर अंदर जाने नहीं देते ना, और फिर यहाँ पर टम्पू चलते हैं टम्पू, और लोग परिक्रमा मारते हैं। तो गाइस ये है सृष्टि दृष्टि की सिल्वर बटन ट्विन सिस्टर्स के नाम से, और हम इसको करते हैं अप्रूव और चेकआउट, कंग्रेचुलेशंस किड्स। अब चाय आई कड़क कड़क कुल्हड़ में, आप पियेंगे थोड़ी देर में।
तो गाइस अभी हो रहा है टाइम 5:30 बज रहे हैं सुबह के। हम निकल दिए हैं वापस गुड़गांव की तरफ क्योंकि अबू की ऑफिस है, तो हम चल दिए हैं वापस मथुरा छोड़कर। गाइस को कर दिया 22, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आज है 13th of February, तो आज इनॉग्रेट होने वाला है दिल्ली वडोदरा हाईवे, और जो आपको पुराने ब्लॉग में दिखाया था, तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लोग चढ़ने भी लग गए, जा रहे हैं यहाँ से सीधा दौसा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उमदा खेला है ये। कुछ भी क्या, सही बता रहा हूँ मैं तो, कितना मस्त है ये हाईवे, बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है। जल्दी जाएंगे, जयपुर जाएंगे इसी रोड से, शायद 2.5 घंटे की ट्रिप हो चुकी है गुड़गांव यहाँ से और जयपुर, फॉर्चुनर से चलेंगे जल्दी फिर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर फाइनली, हमको लगा है ऑलमोस्ट 5:30 निकले थे, 7:30 होने वाला है, 2 घंटे में पहुंच गए मथुरा से गुड़गांव। गाइस ठंड बहुत है यहाँ पर, हवा चल रही बहुत तेज, पता नहीं कैसे टेम्परेचर बहुत कम है आज। चलो मैं सो रहा था गाइस और ये आ गई ऑफिस से मेहनत करके, वेरी गुड गर्ल, मम्मा पापा मेहनत कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं मम्मी। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई खूब सो रहा, सुबह से सो ही रहा था, मतलब लगभग मैं 8 बजे सोया था, 3 बजे के आसपास उठा हूँ फिर मैं सोकर। तो देखते हैं क्या करते हैं इसके बाद, चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।